सो वेलकम टू माई स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों ये वीडियो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, आपके पास टाइम बहुत कम है। इसको देखते हुए मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए आपके समझ डेली बेसिस से वीडियो ला रही हूँ। आप सभी डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों सभी कंपटीशन एग्जाम के अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें एंड सभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एंड थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी थ्योरी सेशन को डिटेल में देखिए और डेली बेसिस पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए और लगातार करते रहेंगे तो अवश्य आप सफल होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है? हाउ मच कैलोरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाई ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 से 5500 कैलोरीज। ठीक है, अगर जैसे कि एक साधारण व्यक्ति को शरीर के वजन का 1 किलोग्राम के लिए हर घंटे 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक एथलीट को जो व्यायाम करने वाला होता है उसके लिए वजन के हर 1 किलोग्राम में हर एक घंटे में 8.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, साधारण व्यक्ति को हर एक घंटे में 1.3 और जो प्रशिक्षित है व्यायाम करने वाला है उसको 8.1 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में व्यक्ति की कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है? व्हाट इज द एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज। तो ऐसे कंडीशन में खर्च होता है, अठारह सौ से सत्ताईस सौ किलो कैलोरी। एक साधारण रोजमर्रा की गतिविधि जो इंसान करता है, साधारण व्यक्ति, तो उसको 1800 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक लंबी दूरी की धावक के लिए 5000 से 5500 कैलोरी की। तो कार्य के आधार पर आपका जो डाइट होता है कि कितना आपको कैलोरी चाहिए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ है, आप सबको पता है 32 होती है, और जो दांत होती है 4 प्रकार की होती है, इंसिजर के 9, प्रीमोरल, मोरल। इसके याद करने का जो तरीका है 4, 2, 4, 6 की संख्या में याद कर लीजिए, यानी ऊपरी पंक्ति में 16, नीचे पंक्ति में 16, 16 दूना 32, ऊपरी पंक्ति में 16 यानी कि इंसिजर 4, के 9, 2, प्रीमोरल 4, एनमोरल्स 6, इस सबका 2 गुना कर देंगे तो नीचे का आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 32 दांत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक संतुलित व स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स इज नॉट सुटेबल फॉर ए बैलेंस हेल्दी लाइफ। तो कौन सा इसमें स्वस्थ संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो व्यायाम एकदम है, ड्रिंकिंग वाटर है, कंसम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो व्यायाम है, पानी पीना है, फल और सब्जियों का सेवन है, एक एक संतुलित स्वस्थ जीवन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बट आपका जो सिर्फ 5 यूनिट शराब रोज पीना, यानी ड्रिंकिंग ओनली 5 यूनिट ऑफ एल्कोहल डेली, तो एल्कोहल कोई भी एक भी यूनिट नहीं पीना है, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है? विच आर द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों?
जैसे कि फिजिकल फिटनेस में दो भाग में बटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। जिसमें से हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में मसल्स एंड्योरेंस, मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन, ये सभी चीज़ें आती हैं। 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें से कौन है आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मसल्स स्ट्रेंथ आपका राइट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी कैलोरीज विल ए यंग मैन ऑफ एवरेज बॉडी वेट नीड पर डे। तो ये औसत शरीर के भार वाले युवक को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 2500 कैलोरी। कितना हो जाएगा, 2500 कैलोरी। एंड नेक्स्ट है, एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वह है ए होल फूड्स विच ए कंसाइडरेट न्यूट्रिशन इज। एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है विच कैन सेटिस्फाई अवर हंगर, यानी कि जो हमारी भूख को शांति कर सके एंड जो अच्छी तरह पकाया गया हो, जो सुपाच्य हो। ये तो नॉर्मली होता है, लेकिन संपूर्ण भोजन में पौष्टिक माना जाता है आपका, तो जिसमें सभी, जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, यानी कि विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन एलिमेंट्स टू फूड। जिसमें सभी भोजन के पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, पोषक तत्वों के 6 एलिमेंट्स हैं। ये 6 चीज जिसमें उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसी को कहते हैं पौष्टिक यानी बैलेंस्ड डाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय शरीर के द्वारा उपयोग किया गया ईंधन है। व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग वेरी इंटेंस एक्सरसाइज। के लिए आपको कौन सा ईंधन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में शक्ति एवं गर्मी प्रदान करना होता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग होता है, आवश्यक है। इसके प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू। जबकि प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फील्ड होता है, फ्यूल्ड होता है, जो हमारे मसल्स या टिश्यू कोशिकाओं का मरम्मत करता है, टूट फूट का मरम्मत करता है। जैसे कि जो स्ट्रेंथ वाले मसल्स ग्रोथ वाले जो क्रियाएं होती हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को। और इंस्टेंट एनर्जी ऑफ सोर्स कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिनों की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो कुल 13 विटामिन है। कितनी है, 13। जैसे कि आपका बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, यानी कि 8 यही हो गए आपका। फिर ए विटामिन ए 9 हो गया, विटामिन सी 10 हो गया, विटामिन डी 11 हो गया, अब विटामिन ई 12 हो गया, विटामिन के 13 हो गया। इस प्रकार ए हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिनों की संख्या कितनी है, 13। इन विटामिनों को 2 प्रकार में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी एंड वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है। विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स कीप्स द ब्रेन, नेल्स एंड हेयर हेल्दी। तो वो है आपका सल्फर। कौन है, सल्फर। सल्फर जिसे गंधक भी कहते हैं शरीर की कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। एंड सल्फर बालों और नाखूनों के निर्माण में सहायक होती है। इसके प्रमुख स्रोत है दाल, अंडा, गाजर, पालक, टमाटर तथा मूली एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता प्रमुख खेलों में खुराक में इसकी विपुलता होनी चाहिए।
Should it be in abundance in dosage in potential major sports? तो क्षमता प्रमुख खेलों में खुराक की किसकी विपुलता होना चाहिए? क्षमता यानी कि एंड्योरेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की, किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर को तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है, इन्हें शरीर में लंबे समय तक संचित नहीं किया जा सकता। जिन खेल गतिविधियों में अधिक सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है, वहां खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका खाद्य मूल्य अधिक है? Which of the following has higher food value? तो किसमें है? सफेद अंडा, भूरा अंडा, बत्तख का अंडा। तो यहाँ पे सफेद अंडा एंड भूरा अंडा, इन दोनों का खाद्य मूल्य जो है अधिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है? Which of the following contains maximum percentage of water? तो किसमें होता है? आमाशय रस एवं लार में, गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवा में पानी की मात्रा अधिकतम होती है। पेशी टिश्यू में 75% होता है, आपको पता है। एंड रक्त के में जो प्रोटीन होता है उसमें 90% जल होता है, यानी कि जो आमाशय रस है उसमें आपका होता है 97% से 99% जल। एंड जो लार है उसमें 99% से 99.8% जल होता है। इस प्रकार पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है गैस्ट्रिक जूस यानी कि आमाशय रस एंड सलाइवा में। नेक्स्ट है, अस्वास्थ्यकर भोजन पैटर्न से यह नहीं होता। अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स डू नॉट कॉजेस दिस। तो रक्त छिड़ता होता है, दांतों में केरिस होता है, मोटापा होता है, बट एड्स नहीं होता। ये बस तीन प्रकार से होता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित संबंध से, माँ से बच्चे में स्थानांतरित होता है, और चौथा इसमें कोई कारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 kg वजन वाला एक व्यायामी जो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है, उसका आवश्यक खुराक कितना होगा? What will be the required intake of an athlete weight 5 kg who trains for 2 hours? तो जो 50 kg का वजन का एक व्यायामी है, एथलीट है, और 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है, उसका आवश्यक खुराक कितना होगा? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक साधारण व्यक्ति के शरीर के लिए प्रति केजी के लिए 1 घंटे में 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक प्रति घंटे व्यायाम के लिए हर 2 घंटे के लिए आवश्यक होती है 8.5 कैलोरी की आवश्यकता। तो 1.3 कैलोरी जब साधारण व्यक्ति को जरूरत होती है, 24 से गुणा करेंगे और 50 केजी में, तो 1560 आएगा, और फिर उसमें आप जोड़ देंगे 8.5 गुणे 2 अब गुणे 50 केजी से 850, यानी 1560 प्लस 850 यानी 2410 कैलोरी की आवश्यकता होगी। एक 50 केजी वाला एक व्यायामी जो है 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है, तो उसका आवश्यक खुराक कितना होगा? 2410 किलो कैलोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा, मिठाई, ब्रेड और केक ये सब इसके विपुल स्रोत हैं। शुगर, स्वीट्स, ब्रेड एंड केक्स आर इट्स अबंडेंट सोर्स। तो किसके हैं ये सभी सोर्स? ये सभी सोर्स हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स के। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की जरूरत इस पर निर्भर करती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन, किस पर जरूरत पड़ती है? कि बच्चे की उम्र क्या है, लिंग क्या है, शारीरिक हलचल यानी कितना कार्य करता है दिन भर में, उपरोक्त सभी, ये सभी घटक होते हैं जो भोजन की रिक्वायर्ड ऊर्जा की रिक्वायर्ड निर्भर करती है। एक छोटे बच्चे के भोजन के वयस में अंतर होता है, एक स्त्री पुरुष के अंतर होता है, एक
कुछ काम न करने वाले एक काम करने वाले में ऊर्जा की जरूरत में अंतर होता है। ये उम्र, लिंग, शारीरिक हलचल, ये तीनों चीज़ें यानी कि फिजिकल मूवमेंट कितना कर रहा है, एज क्या है, जेंडर क्या है, अभी उपरोक्त सभी चीज़ें ऊर्जा की जरूरत पर निर्भर करती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति, एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति यानी ए फिजिकली एजुकेटेड पर्सन यानी जो एक शारीरिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, तो एक शारीरिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति जो है इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी अनेक संचलन प्रकारों में दक्षता और कुछ संचलन प्रकारों में निपुणता को दर्शाता है कि वो शारीरिक रूप से प्रशिक्षित है या शिक्षित है, यानी कि सो प्रोफिशिएंसी इन मेनी मूवमेंट्स टाइप एंड मास्टरी ऑफ ए फ्यू मूवमेंट्स टाइप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध नहीं कर सकता, निम्न में से कौन किसी भी प्रकार से ऊर्जा उपलब्ध नहीं कर सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ एनर्जी, तो वो होता है आपका विटामिन, यहाँ पे कौन राइट हो जाएगा, विटामिन। जैसे कि कार्य के आधार पर भोजन को तीन भागों में बांटा गया है, पोषक तत्वों को, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड वसा होता है, एक शरीर का निर्माण करने वाले जिसमें प्रोटीन होता है, एक होता है आपका शरीर की रक्षा करने वाले रोगों से, तो होता है विटामिन एंड खनिज लवण। इस प्रकार विटामिन, खनिज लवण, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट वे पोषक तत्व हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंतुओं के संकुचनशील तत्व मायोफाइब्रिल्स में किसके प्रोटीन तंतु निहित होते हैं, हुज प्रोटीन फाइबर आर कंटेनेड इन मायोफाइब्रिल द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ मसल्स फाइबर। तो दोस्तों जो मसल्स फाइबर होते हैं उसमें एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट होते हैं, जिसमें एक्टिन में भी दो प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मायोसिन एक्टिन, क्या हो जाएगा मायोसिन एक्टिन, यानी कि सी और एफ कौन हो जाएगा इसमें राइट, सी एंड ट्रोपोनिन, ठीक है, तो सी डी और एफ यानी मायोसिन एक्टिन और ट्रोपोनिन, ए आपको मसल्स फाइबर्स में पाया जाता है, तो सी डी एफ कहाँ दिख रहा है, सी डी एफ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी डी एफ यानी कि मसल्स फाइबर में होता है एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, जिसमें एक्टिन जो होता है वह थिन फिलामेंट यानी पतला फिलामेंट होता है, मायोसिन मोटा फिलामेंट होता है, मायोसिन में एक हेड होता है जो एक्टिन में फंसता है, इस प्रकार एक्टिन जो है वो मायोसिन पर फिसलता है, इस प्रकार जिससे हमारा मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नियासिन पाया जाता है, नियासिन यानी निकोटिनामाइड जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, नियासिन यानी निकोटिनामाइड जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, तो नियासिन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें पाया जाता है नियासिन, इसमें आपको देखना है, तो यहाँ पे टमाटर है, अंडा है, अनाज है, मक्खन है, ईस्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि किसमें किसमें पाया जाता है, टमाटर एंड अनाज में पाया जाता है विटामिन B3 इस ऑप्शन में, ठीक है। एंड ये निकोटिनामाइड या नियासिन किस विटामिन का नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम, इस टमाटर में 3.1 मिलीग्राम, अनाज में 20 मिलीग्राम 100 ग्राम में नियासिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न खाद्य पदार्थों
का ग्लाइसेमिक इंडेक्स के सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो पोषक तत्वों की ऊर्जा को मापने की इकाई है। तो ग्लाइसेमिक आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। तो इसमें निम्न खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स के सही आरोही क्रम, यानी कि आरोही मतलब होता है असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम, ऐसे मतलब कि बढ़ते क्रम में होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका असेंडिंग होगा और ये डिसेंडिंग होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, असेंडिंग की यानी बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, सेब का होगा, फिर ई यानी कि ई यहाँ पे नहीं लिखा है, फ्रक्टोज का होगा दोस्तों, फ्रक्टोज नहीं लिखा है, फ्रक्टोज ई होगा। उसके बाद आपका होगा बी यानी कि गाजर का, उसके बाद होगा डी आपका केला था, फिर केला का हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा कॉर्नफ्लेक्स का, इस प्रकार आरोही क्रम में होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एक विशेष प्रकार के भोजन से जुड़ा एक नंबर होता है और जो किसी व्यक्ति के रक्त ग्लूकोज पर भोजन का प्रभाव को दर्शाता है, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण से निम्न पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, जो अंकुरित अनाज आप खाते हैं, जर्मिनेशन इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन। तो जो अंकुरण करके आप खाते हैं चना मूंगफली एंड बादाम ये सब, तो उससे आपका किन पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, तो अंकुरित अनाजों को अंकुरित कर देने से उसमें किसमें वृद्धि होती है, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी में वृद्धि होती है। जब आप अनाजों को अंकुरित कर देंगे तो अंकुरित अनाजों में विटामिन बी और सी की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए और सी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, सूचना तत्व नहीं दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो कौन मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंफॉर्मेशन एलिमेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो आवश्यक सूक्ष्म तत्व है आपका, जैसे कि जो खनिज है उसको दो प्रकार में बांटा गया है, मुख्य खनिज लवण यानी मेजर मिनरल्स जिसको माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, और दूसरा में बांटा गया है आपका लघु खनिज लवण यानी कि माइनर मिनरल्स, ट्रॉस मिनरल्स भी बोलते हैं। तो जो मुख्य खनिज लवण होता है माइक्रो मिनरल्स, उस वो हमारे शरीर के लिए अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। एंड यहाँ पे सूक्ष्म तत्व पूछा है, तो सूक्ष्म तत्व यानी कि माइक्रो मिनरल्स में आपका हो जाता है आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सोलिनियम एंड फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो मिनरल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स में आपका हो जाएगा, माइक्रो मिनरल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन एंड लौह आपका होगा, आयोडीन एंड लौह आपका होगा, यानी कि बी और सी आपका राइट होगा। आयोडीन और लोहा जो है वो माइक्रो मिनरल्स है, जो कि मैग्नीशियम और सोडियम क्या है, माइक्रो मिनरल्स है यानी कि मुख्य खनिज लवण है, जबकि आयोडीन और लौह क्या है, सूक्ष्म खनिज लवण यानी कि माइक्रो मिनरल्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की हरकत को कौन उत्तेजित करता है, व्हाट स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन को उत्तेजित करता है
वह होता है क्रोमियम। कौन होता है? क्रोमियम। यानी क्रोमियम सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। क्या है? सूक्ष्म यानी कि माइक्रो मिनरल्स है जो इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। क्रोमियम का महत्व ग्लूकोज तथा अपचयी उपापचय में महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है। यह लहसुन ईस्ट पनीर सीरा और हरी फूल गोभी में पाया जाता है क्रोमियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? तो हाउ मच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो एक मानव शरीर के वजन का जो है 4% हिस्सा जो है वह खनिज तत्वों का बना होता है और 96% हिस्सा जो है वह खनिज तत्व यानी कि अकार्बनिक पदार्थ अजैविक अणु से बना होता है और 96% जो भाग होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जैविक अणु यानी कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा एंड नाभिकीय अम्ल होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेमोरी लॉस एंड पैरालिसिस। मेमोरी लॉस एंड पैरालिसिस, पैरालिसिस को पक्षाघात बोला जाता है। तो हमारी याददाश्त खो जाती है और पैरालाइज हो जाता है इंसान किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन होता है आपका B12, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमिन। यह तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है विटामिन B12। इसकी कमी का मस्तिष्क आघात भी हो सकता है एंड इसकी कमी से याददाश्त भी खोने का खतरा रहता है। विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि यह हमारे स्ट्रेस को मिटाने वाला होता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है विटामिन B12 को, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन और मिनरल्स का मुख्य कार्य है? तो शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी? तो इसका मुख्य कार्य होता है साधारण वृद्धि विकास और उपापचय को प्राप्त करना। यहाँ संक्रमण से बचाना तो होगा, लेकिन मुख्य कार्य की बात कर रहा है तो साधारण वृद्धि विकास उपापचय को प्राप्त करना। ये विटामिन से मिनरल्स ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन जो ऊर्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा है इन सब के उपापचय क्रिया में मुख्य भूमिका अदा करता है और वृद्धि विकास में सहायक होता है। यानी कि विटामिन खनिज लवण शरीर के साधारण वृद्धि विकास उपापचय को ठीक रखता है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों और हमारे शरीर के बचाव करता है और प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि विकास करने या दांतों के निर्माण, अम्ल के संतुलन को ठीक करने में योगदान देते हैं। ये सभी कैल्शियम फॉस्फोरस लोहा आयोडीन सोडियम पोटेशियम सल्फर ये सभी मिनरल्स हैं एंड विटामिन ये दोनों आपके वृद्धि विकास उपापचय के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए आवश्यक होते हैं। एंड नेक्स्ट है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है? विटामिन डी डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन कॉजेज। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। ठीक है, सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है? तो विच ऑफ दिस विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। तो शरीर कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के जिम्मेदार है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें कुल 8 विटामिन आते हैं जो शरीर के वृद्धि और उनको स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। 8 विटामिन में कौन कौन सा आता है? विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B2 जिसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 जिसको निकोटिनेमाइड कहा जाता है रासायनिक रूप से, और विटामिन B5 जिसको पेंटाथोनिक रासायनिक नाम है, विटामिन B6 जिसको पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 जो बायोटिन नाम है रासायनिक, एंड विटामिन B9 जिसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है, एंड विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालमिन कोबाल्ट पाया जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।